नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 5 वीडियो लेक्चर टाइम एंड वर्क के डाल चुका हूं। आज ये 6th वीडियो लेक्चर होगा और 27 नंबर का क्वेश्चन होगा। मैं एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए करा रहा था, सो उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, 6 से 7 क्वेश्चन, और इनको अच्छे से समझेंगे और देखेंगे, थोड़ा सा आप लेवल अपना हाई करके चलेंगे। सो ये आज के 27 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। इधर ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए और बी यहाँ पे देखेंगे, ए प्लस बी, ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में, 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि वह एक साथ कार्य को शुरू करें, लेकिन 21 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाए, 21 दिन के बाद, तो क्या 21 दिन तक बी कार्य करेगा? 21 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी 21 दिन तक तो काम करेगा ना, 21 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाएगा, तो 21 दिन तक ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। शेष कार्य को ए 5 दिन में समाप्त कर लेता है, मतलब कि शेष कार्य जो बचा कार्य है, इसमें से जो बचा कार्य है ए कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 5 दिन में समाप्त कर लेगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने एक सूत्र बताया था, या फिर उसे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। यही तो बताया था, मतलब का टाइम का मल्टीप्लाई हम एफिशिएंसी से कर देते हैं तो क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी ये कार्य क्षमता है, ए प्लस बी क्या है, कार्य क्षमता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या करेंगे, टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करेंगे, ये टाइम था और ये क्या थी, एफिशिएंसी थी, टाइम का एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी इंटू 24, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरे पे क्या कहता है, कहता है लेकिन 21 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 21 दिन के बाद गया है भाई, तो 21 दिन ए प्लस बी दोनों साथ में रहेंगे, 21 दिन के बाद इसी काम को बी छोड़कर चला जाता है, जब बी छोड़कर चला गया तो बचे हुए काम को, इसी का काम था इसलिए प्लस लगाना पड़ा, इसी के काम को ए 5 दिन में समाप्त कर लेता है, तो 5 इंटू ए, मतलब कि 5 गुणे ए समाप्त कर लेता है। बस इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 ए प्लस 24 बी बराबर 21 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 21 ए प्लस 21 बी और प्लस का 5 ए, समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, 24 है, ठीक है, 24 ए प्लस 24 बी, तो ये ए था, 21 24 में 21 चला गया तो कितना बचेगा भाई, 3 ए बचेगा, प्लस 21 चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 ए, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 ए, कितना बचेगा, 5 ए। अब 5 ए से 3 ए चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 ए बराबर, ये बी था, बराबर 3 बी, क्या गया, 3 बी, तो ए और बी का रेशियो कितना आएगा, ए बटे बी बराबर ए, देखो जो ए इधर होता है ना उसका रेशियो ये हो जाता है 3, तो क्या हो जाएगा, 3, कोई भी संख्या हो बी का रेशियो हो जाएगा 2, तो इनका जो रेशियो आया कितना आ गया, 3, ए का रेशियो, ए अनुपात है 2। अब ए का मान किसमें चाहे इसमें रख दें, चाहे इसमें रख दें, आंसर आ जाएगा, छोटा ये है इसी में रख देते हैं, ए का मान कितना है भाई, इसी पे रखेंगे 3, और बी का मान कितना है, 5, सॉरी बी का मान 2 है, गुणे 24, 3 2 5,
और पांच में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 24 का, पांचों को 20, पांच दूनी 10, दुई बारह 120, इतना आ गया 120। अब क्या कहता है, कहता है कि बी अकेला, तो बी की क्षमता कितनी है, दो। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बस दो से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा दुछा का 12 जीरो था, आंसर आ जाएगा 60। समझ आ गया होगा, आंसर कितना आ गया भाई, 60 आ गया। तो कितने दिन में समाप्त करेगा इसे, 60 डेज में। समझ आ गया होगा, बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, इसे अच्छे से नोट करें और अच्छे से देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे नोट करें, तब तक मैं दूसरा सेंटेंस लेके आता हूँ। सॉरी सेंटेंस क्या, मैं इंग्लिश के वीडियो अपलोड करता हूँ भाई, तो अब मैथ का भी वीडियो, छठा वीडियो लेक्चर है अपना, मैं इंग्लिश का वीडियो डालता हूँ, इसलिए बार बार मेरे मुंह से सेंटेंस निकल के आता है। ये क्वेश्चन था आपके लिए, अब मैं अगला क्वेश्चन लाऊंगा बिल्कुल इसी तरह का, 28 नंबर का, आप इसे नोट करें। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा बिल्कुल बाकी है, वही क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आसानी से हम इसे करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक पुरुष और उसका पुत्र मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई हम किसे कर देंगे, डेज से। टोटल कार्य निकालना है, क्योंकि हमें कार्य तो पता हो, करना क्या है, कार्य तो दिया ही नहीं है, तो एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई हम करते हैं दिन से। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में करे, तो कुल कार्य कर रहे हैं दोनों, कुल कार्य को दोनों मिलकर कुल कार्य कितने दिन में करेंगे, तो इसको हम कैसे कर रहे थे कि 20 और 30 का एलसीएम लेते थे, जो एलसीएम आता था उसे डिवाइड करते थे तो एफिशिएंसी निकलती थी, और एफिशिएंसी का डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना एलसीएम ही आया करता था, तो ये वहीं से आया है। तो एक पुरुष और एक सन, तो लिख लेते हैं, मैन प्लस सन मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यदि वह एक साथ कार्य शुरू करें लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करे। कहने का मतलब क्या था कि अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करे, तो 20 दिन, दिन कितने थे अपने पास, अंतिम 6 दिन, अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में पूरा हो जाता है, पूरा कार्य 26 दिन में पूरा होता है, लेकिन उसमें से 6 दिन मैन अकेला कार्य करता है, 6 दिन मैन अकेला कार्य करता है, तो 20 में से 6 दिन मैन अकेला कार्य करेगा, 26 में से 6 दिन मैन अकेला कार्य करेगा, तो 20 दिन दोनों मिलकर काम करेंगे। तो मतलब क्या हो गया, मतलब यह हो गया कि अगर 26 दिन थे तो 20 दिन कौन काम करेगा, मैन प्लस सन कितने दिन काम करेगा, 20 दिन, और बाकी जो बचा काम है वो अकेला कौन करेगा, अकेला करेगा पुरुष करेगा, तो 6 दिन कौन करेगा, मैन करेगा। तो इसको जब हम हल करेंगे अपना आंसर आ जाएगा, पहले ए बी मैन और सन का रेशियो निकालेंगे और रेशियो के बाद आसानी से हल हो जाएगा। चलिए करते हैं इसे, देखो 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 एम प्लस एस एम, सॉरी 24 एम प्लस 24 एस बराबर 20 एम प्लस 20 एस प्लस का 6 एम। 24 में से 20 एम चला गया तो कितना बचेगा भाई, बचेगा 4 एम प्लस 24 एस से 20 एस चला गया तो 4 एस बराबर उधर कितना बचेगा, 6 एम, ठीक है ना, 6 एम से 4 एम चला गया तो कितना बचेगा, 2 एम, ये एस है भाई, 2 एम, तो 2 एम बराबर कितना आ जाएगा, 4 एस आ जाएगा, 2 एम बराबर कितना आ गया भाई, 4 एस आ गया, और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, एम एस बराबर एम इधर है तो उधर का हो जाएगा 4, और ये एस इधर है तो एस पे आ जाएगा कितना, 2। समझ आ गया भाई, समझ आ गया होगा। अब दोनों को हम डिवाइड, दोनों को काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 अनुपाते 1 का अनुपात आ गया, तो एम का मान आ गया 2 और एस का मान आ गया कितना, 1। तो अब इसमें रख देंगे, यहाँ पे है क्या, एम की जगह पे हम क्या रखेंगे,
दो प्लस एस की जगह पे क्या रखेंगे वन, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, दो एक तीन और तीन का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, तो तीन चौको 12, तीन दुनाई 6, एक 7, 72 आया। लिखा क्या है, पुत्र इस कार्य को कितने दिन में करेगा और सन की क्षमता क्या है एक, तो एक से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 72 ही तो रहेगा, यही तो अपना आंसर हो जाएगा 72 डेज। समझ आ गया होगा भाई, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे बड़े ही आसानी से, ठीक है ना भाई। इसे आप नोट करें, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। 29 नंबर क्वेश्चन शायद, हम 29 नंबर क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करते हैं। 28 तक हो गया आई थिंक, समझ में आ रहा होगा, और समझ में तभी आएगा जब अच्छे से आप लोग समझेंगे और जितना भी पढ़ाता है उसको अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ऐसे देखने के बाद जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको आने वाला है नहीं, इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं यहां से। ए एक कार्य को प्रारंभ करता है, कोई ए था भाई, कार्य को प्रारंभ किया और चार दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो मतलब चार दिन ए कार्य करेगा तो 4 into A, ठीक है, चार दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। और बी शेष कार्य को, शेष कार्य है तो बाकी है अभी, बी शेष कार्य को कितने दिन में कर लेता है, बी कर लेता है कार्य को 18 दिन में, यदि 18 दिन में साफ कर देता है, यदि ए कार्य को 6 दिन बाद छोड़ता, यदि ए कार्य को 6 दिन बाद छोड़ता तो बी शेष कार्य को, बी शेष कार्य को कितने दिन में कर लेता भाई, बी शेष कार्य को 12 दिन में कर लेता। बस इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे ए बी की क्षमता निकाल लेंगे और ए बी का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से लगा देंगे भाई। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो 4a + 18b = 6a + 12b, और 6a से हम 4a को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2a। फिर क्या करेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे और 18b से 12b को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6b आएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6, भाई रेशियो था, बटे में लिख देंगे b, बटे कितना आ जाएगा 2, 2 एक कम 2, 2 तीन 6, 3। 30 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, एक से स्टार्ट कर दिया था, 30 आ गए हैं अभी और अपने पास 20 क्वेश्चन बचे हैं, तो बस तीन क्लासों में खत्म कर देंगे। अब मैन वोमैन वाले क्वेश्चन बचे हैं, कुछ मिसलेनियस है और साथ ही साथ में सारा खत्म कर देंगे, इसके बाद कोई सा भी टॉपिक उठा लेंगे, पाइप एंड टंकी, या फिर इसके बाद उठा लेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या फिर मिक्सचर एलिगेशन, जो मूड में आएगा वही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, लिख लेते हैं ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में, ए और बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि ए अपनी कार्य क्षमता से दोगुना, यदि ए अपनी कार्य क्षमता से दोगुना कर दिया और बी अपनी कार्य क्षमता से तीन गुना, बी अपनी कार्य क्षमता से तीन गुना, तो बी बटे 3, क्योंकि एक तो हम लिखते नहीं है, फिर क्या करेंगे तीन गुना, तीन से कार्य करें तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है, कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है भाई 6 दिन में समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी की वैल्यू पूछे भाई, तो क्या करेंगे इसका, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8a + कितना आ जाएगा 8b = 2a + ऐसा कर लेते हैं, साथ में मल्टीप्लाई ही कर देते इसका, तो इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे पे करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, तो कितना आ जाएगा 6 × 12 a + 6 × 6 b/3, ठीक है। अब 3 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 2b, कितना आएगा भाई 2b, तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख ही लेते हैं इसे हम 8a + 8b = 12a + 2b, ठीक है। क्या करेंगे फिर से 12a से 8a जाएगा तो कितना बचेगा 4a, ठीक है ना, फिर इसके बाद 8b से 2b जाएगा तो कितना बचेगा 6b, तो a बटे बी का रेशियो निकालना पड़ेगा, a बटे बी, या थोड़ा ऊपर से और लिखता हूं, दिख रहा होगा आपको,
कितना आएगा ए बटे बी, ए का रेशियो कितना आ जाएगा छह, बी का कितना आ जाएगा चार, एक बार और काटेंगे दो दूनी चार, दो तीन छह, ए का कितना आ गया, ए का मान तीन और बी का दो, दोनों का मान रख देंगे यहीं पे, है ना। हाई साई स्कूल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, बस उसी तरह तो है ये, तो क्या करेंगे ए की जगह क्या रखेंगे थ्री, बी की जगह क्या रखेंगे दो, मल्टीप्लाई किससे करेंगे एट से, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तीन दो पांच, तीन दो पांच, तो फिर क्या कर लेंगे पांच का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा चालीस। अब कौन करेगा बी अकेला, बी की क्षमता कितनी है दो, दो से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा बीस डेज, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, आसानी से लग गया, आप इसे नोट कर। तो देखिए यहाँ पे ए किसी कार को ए, ए की कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता बी से तीन गुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से तीन गुनी है, तो जब क्षमता और टाइम, क्षमता और समय का जो अनुपात होता है ना वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें टाइम को पता करना पड़ेगा, और इसमें दिया क्या क्षमता, मतलब क्या हो गया ए की कार्य क्षमता बी से तीन गुनी है, ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय में कर सकता है, तो ए और बी एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो पहले जितना कहता जाता है उतना करते जाते हैं, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से तीन गुनी है, तो क्षमता नहीं पहले हमें टाइम का रेशियो चाहिए, तो ए की कार्य क्षमता बी से, एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ए की कार्य क्षमता बी से तीन गुनी है, तो तीन ये हो जाएगा, तो यहां पे ये एक हो जाएगा, लेकिन हमें पहले टाइम का चाहिए, किस लिए, क्योंकि टाइम हमें इसलिए चाहिए क्योंकि टाइम से हमें क्या पता चलेगा, ये तो रेशियो था तो एग्जैक्ट हमें टाइम पता चलेगा, और उससे हमें क्षमता तो हमारे पास है ही, और यही क्षमता निकल के आएगी और इसी से हम पूरा काम करवा लेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा, अगर ए की एफिशिएंसी तीन है, यहां पे ये ए था, ए की एफिशिएंसी तीन है तो टाइम कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, तो यहां पे एक डी को लिखा नहीं जाएगा तो डी मान लेते हैं, क्यों ऐसा किया, क्योंकि मान लेते हैं ए का टाइम डी था तो बी उससे तीन गुना कार्य करेगा, एक यहां पे था तो उसका क्या हो जाएगा थ्री डी, ये बात समझ में आई कि नहीं, मतलब क्या था क्षमता था, यहां एक भी लिख सकता था मैं, तीन भी लिख सकता था, लेकिन यहां पे डी इसलिए किया गया कि अभी थोड़ी देर के बाद हमें इसका टाइम एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, इसलिए हमें डी मानना पड़ा, तो क्या हो गया ए का समय अगर डी है तो बी ए किसी कार्य को करने में डी समय लेता है तो बी उसी कार्य को 3D समय लेता है, तो के एफिशिएंसी यहां पे लिखी थी लेकिन अभी ये एग्जैक्ट टाइम नहीं था, लिखा गया बी से 60 दिन कम समय लेता है, ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, ए तो ए क्या था डी माइनस 3D, ए बी से कितने दिन 60 दिन कम समय लेता है, तो ए बी का अंतर कितना दिया हुआ है 60, ए बी का अंतर कितना दिया हुआ भाई 60 दिया होगा, तो यहां कितना बचेगा 2D बराबर कितना आ जाएगा 60, तो D बराबर कितना आ जाएगा 60 बटे 2 तो कितना आ जाएगा 30, तो D का मान कितना आ गया भैया 30, और D यहां पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 90, D की जगह क्या रख देंगे 30 30 90। अब देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि A किसी कारक को B से 60 दिन, यदि ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय में करता है, तो देखो ना ये 30 में तो ये 90 में करता तो 60 दिन कम समय था, समझ आ गया होगा, और 60 और 30 और 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा 90, 30 से 90 और 90 कम 90, यही तो करना था हमें, फिर से देख लेना एफिशिएंसी था, एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे के क्या होता है अपोजिट होता है, 90 आया है और इनका 3 1 4 4 हो जाएगा 4, 4 से क्या कर लेंगे
चार से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, चार दुनिया आठ एक बचा, तो यहाँ पे कर देंगे फिर से आ जाएगा चार दुनिया आठ, बचा कितना दो, तो दो बटे चार कितना आया, और फिर क्या करेंगे दो एक कम दो, तो दो नी चार, तो कितना आ जाएगा बाईस सही एक बटे दो, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। समझ आ गया होगा भाई। चलो एक बार फिर से इसी तरह का क्वेश्चन लेके आते हैं और आसानी से हम लोग समझ लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना ये न्यू क्वेश्चन। तो निकल गया एक ही कार्य क्षमता बी से पांच बटे तीन गुनी है, यदि ए किसी कार्य को बी से बीस दिन कम समय में कर सकता है तो ए और बी एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा सा। ए की कार्य क्षमता बी से पांच बटे तीन गुनी है, तो ए बी से पांच बटे तीन गुनी है, तो ये तो क्षमता है, मतलब क्या कि यदि ये पांच बटे तीन गुनी है तो जब दे मानेंगे तो ए आ जाएगा थ्री डी, क्योंकि मैंने कहा था क्षमता और दिन, क्षमता और टाइम का जो रेशियो होता है या फिर वो क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो तीन डी होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फाइव डी। क्लियर। तो इनका क्या है ए ए और बी का अंतर कितना है भाई 20 दिन, तो 5d माइनस का 3d बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा बराबर 20, तो 3d में 5d में 3d चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2d बराबर 20, तो d बराबर कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे रखेंगे d का मान तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, 10 बचे 50। अब जैसे ही हम क्षमता निकालेंगे 30 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा 150 निकाल लेंगे। बताया कैसे निकालते हैं, जब इसकी एफिशिएंसी, ये तो दिन का था, जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, जीरो से जीरो खत्म तो कितना यहाँ पे आएगा 5, 3 बचे 15, जीरो से जीरो खत्म 5 तीन 15, तो ये आ गया 5 और 3 एफिशिएंसी का जो रेशियो मान लो या एफिशिएंसी मान लो, तो 5 और 3, तो क्या पूछा क्या गया है कि ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 5 3 8, 8 से डिवाइड करेंगे 150 को, तो 8 एक कम 8 आएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 7, 0 उतार लेंगे 56 अठी अठी 64 18 हो जाएगा, 64 आएगा यहाँ पे, फिर 10 में 4 गया तो कितना बचेगा 150। ऐसा कर लेते हैं डायरेक्ट यहीं से काट ही लेते हैं, कितना आ जाएगा ये दो दूंगी 4 और ये कितना आ जाएगा 2 7 14 दो 5 10 75। अब चाहो तो आप इसे डिवाइड कर लो, नहीं तो 75/4 ही आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, भाग दे लो आगे आ जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल आएंगे। अपना कौन सा नंबर था आज का 32, 33 से क्वेश्चन को उठाएंगे, मैन वोमेन वाले जो होंगे थोड़े मोड़े मिसलेनियस बचेंगे, तो दो दिन में इसको खत्म करते हैं, इसके बाद आते हैं कोई नया चैप्टर पे, ठीक है। और इंग्लिश वाले जो मेरे भाई हैं वो परेशान ना हो, मैं इंग्लिश भी जैसे ही टाइम मिलेगा उनके लिए इंग्लिश के भी वीडियोस लेके आऊंगा। हालांकि मैंने एक वीडियो डाला था प्रोनाउन का, चाहो तो देख सकते हो, रिलेटिव प्रोनाउन बड़ा ही बेहतरीन है, विदाउट रूल, कोई भी रूल नहीं है मेरी ग्रामर पे, सो उसे भी आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों सब्जेक्ट्स आपके लिए। सो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे।